अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ये कानून जो है वो किसी को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जिनकी आवाज सरकार को पसंद नहीं है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिया उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। Now the links are exposed. That's a good thing, isn't it? जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए ये सरकार हर तरह के हथकंडे लगा रही है। उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है। उमर खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई है। इस साल फरवरी में दिल्ली में हिंसा हुई थी जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस के अनुसार उनके पास खालिद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। एफआईआर के अनुसार खालिद ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नागरिकों से बाहर निकलकर सड़कें ब्लॉक करने को कहा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। आप खुद ही सुनिए क्या था उनका पूरा बयान। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? देश में पहले भी स्टूडेंट्स द्वारा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए हैं। उमर खालिद का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया ना ही बोला है। अगर भाषण के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई तो आप ये भाषण भी सुनिए। दिल्ली में दंगों से पहले कपिल मिश्रा का बयान जिसमें वह पुलिस के साथ खड़े होकर धमकी भरे लहजे में जनता को बोल रही हैं। दिल्ली में आग लगी जाए, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। बीजेपी के अनुराग ठाकुर की वह स्पीच भी सुनिए जिसमें वह जनता से ही नारे लगवा रहे हैं, देश के गद्दारों को। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को। उमर खालिद का कहना है कि पुलिस ने उनका पूरा भाषण सुने बिना ही कुछ हिस्से को लेकर उन्हें दोषी माना है। उमर खालिद के आकाश बैनर्जी को दिए अपने इंटरव्यू में यूएपीए के गलत इस्तेमाल पर बात की और कुछ जानकारी भी दी थी। ड्रैकोनियन क्यों है? उसका एक सिंपल सा कानून का जो अंडर आईपीसी एक बात बोली जाती है नेचुरल जस्टिस में कि जब तक आप दोषी करार नहीं दिए गए आप निर्दोष हैं, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यूएपीए इस चीज को पूरा रिवर्स कर देता है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो एक इंसान अगर किसी पे यूएपीए लग गया तो उसको पूरी स्टेट मशीनरी के सामने स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके खिलाफ क्या सबूत लेकर आए, बल्कि उस इंसान को अपने फेवर में, जो इंसान पहले से जेल में है, उस इंसान को अपने फेवर में सबूत लेकर आना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि मैं भैया निर्दोष हूँ। 6 महीने तक, 180 दिन तक आप जेल के अंदर बंद हो सकते हैं विदाउट अ चार्ज शीट अगेंस्ट यू। मतलब आपके खिलाफ क्या चार्ज है ये आपको 180 दिन तक पता भी नहीं होगा और सरकार को, पुलिस को कोर्ट के सामने भी पेश नहीं करना पड़ेगा। दैट इज अनदर ड्रैकोनियन प्रोविजन। नाउ अ वेरी सिंपल टेस्ट ऑफ वेदर दिस लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड और नॉट। जब टाडा था तो टाडा का 1% कन्विक्शन रेट था, मतलब अगर 100 लोग गिरफ्तार हुए तो 99 लोग इनोसेंट इवेंचुअली पाए गए कोर्ट द्वारा। पोटा के अंदर ये जो कन्विक्शन रेट है वो और कम था। यूएपीए के अंदर एक स्टडी के अनुसार 2014 और 2016 के बीच में से हर चौथे केस में 3 लोग इनोसेंट पाए गए। तो अगर आप इतने सारे लोग इनोसेंट इवेंचुअली साबित हो रहे हैं तो उससे यही दिखता है कि ये कानून जो है वो किसी को कन्विक्ट करने के लिए, किसी एक्चुअल दोषी को जेल में डाल के उसको दोष साबित करके अदालत के थ्रू उसको सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जिनकी आवाज सरकार को पसंद नहीं है। और इस कानून के अनुसार उन लोगों की आवाजों को कई कई सालों तक बिना बेल के आप जेल के अंदर बंद कर सकते हैं। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा,
के भाषणों में दिल्ली पुलिस को नफरत भरी भाषा नहीं दिखी। क्या वे बीजेपी नेता हैं इसलिए? कन्हैया कुमार अक्सर बीजेपी पर तंज कसते रहते हैं और कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है। और कोर्ट से भी मुझे लगता है कि मोदी जी पे हमको भरोसा रखना चाहिए। जब तक मोदी जी हैं, इस देश में किसी भी आरोपी को कुछ नहीं होगा। बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, सदाचारी हो जाएंगे, जैसे अजीत पवार हो गया, जैसे मुकुल राय हो गया। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़कर के मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिया उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। इसकी एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, जब इंस्पेक्टर सबोध सिंह की हत्या के आरोपी को बीजेपी की तरफ से काफी पद दिए गए। इसकी जानकारी HW न्यूज नेटवर्क पर अभिसार शर्मा ने अपने शो में दी है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं सुबोध कुमार सिंह। बुलंदशहर में हुई एक घटना में उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सिस्टर संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए थे। उनमें से मैं आपको NDTV का एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखिए कैसे ये शख्स गिरफ्तार हुआ था। नाम इसका शिखर अग्रवाल है। 3 दिसंबर को 2018 को बुलंदशहर में हिंसा हुई थी जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह मारे गए थे। आज बीजेपी यूथ विंग का जो है शिखर अग्रवाल, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब क्या हुआ है, अब ये तस्वीरें देखिए। यहां पर इस शख्स को सम्मानित किया गया है अभी कल ही। चिंगरावटी कांड के मुख्य आरोपी को सम्मान, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पदाधिकारी बनाया। जमानत पर चल रहा आरोपी शिखर अग्रवाल जन कल्याणकारी योजना का महामंत्री बनाया गया, जागरूकता अभियान का जिला महामंत्री बना। भाषण के आधार पर गिरफ्तारी का एक और मामला हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा था, डॉक्टर कफील खान का, जिनको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। और हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि डॉक्टर कफील का भाषण किसी भी तरह का नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं था, इससे अलीगढ़ शहर की शांति और अमन को कोई खतरा नहीं है। वहीं दूसरी ओर दीपक चुरसिया ने उमर खालिद पर ट्वीट किया और लिखा कि सेकुलर जमात आरोप लगा रही है कि उमर खालिद को लोकतंत्र का सिपाही बता रहे लोगों का BP ये सुनकर बढ़ जाएगा कि पुलिस ने 11 लाख पन्नों में उसकी करतूत का खुलासा किया है। इन्हीं सबूतों को जुटाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तारी में 7 महीने का वक्त लिया है। वहीं अर्नब गोस्वामी ने भी इस पर डिबेट की और इस गिरफ्तारी को अच्छा बताया। My question is to Advocate Asghar Khan. I'm actually very happy, you know, Advocate Asghar Khan, because jo nakab tha wo nikal diya hai. And the mask is off. Now you are all the connections are out. Shaheen Bagh, Popular Front of India, Delhi riots, Bangalore riots, Tukde Tukde gang, Bharat Tere Tukde honge, inshallah, JNU Brigade, Shaila Rashid, Umar Khalid, Prashant Bhushan. Now because you have been exposed, now everything is, the khichdi is out. You are all working Rajka together. Now the links are exposed. That's a good thing, isn't it? इसके अलावा प्रशांत भूषण ने भी उमर खालिद पर की गई इस कार्रवाई पर सरकार की आलोचना की है। सरकार की आलोचना करने के कारण उनको हैरस किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि कल रात को उमर खालिद को अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो NTCAA प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर जयती घोष, अपूर्वानंद, सबका नाम पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिख दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून को अपोज कर रहे थे। तो हिंदुस्तान में आज अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ किसी तरह से जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए ये सरकार हर तरह के हथकंडे लगा रही है। खैर, अब ये देखना होगा कि इस मुद्दे पर कितनी राजनीति होती है और इस केस पर सरकार का क्या रुख होगा। उमर खालिद दोषी है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।